सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। परम शांत सत गुरु मेरे प्यारे, हम सब आए हैं उनके सहारे, हम सब आए हैं उनके सहारे। संगम तट पर धूम मचावे, संगम तट पर धूम मचावे, सतगुरु जन तक पहुंचावे, सतगुरु वाणी जन जन को, जन्म मिला तुम्हें नाम भजन का, जन्म मिला तुम्हें नाम भजन का, स्वामी का सं देश बतावे, स्वामी का संदेश बतावे, हो जाओ शाकाहारी पाठ पढ़ावे, हो जाओ शाकाहारी पाठ पढ़ावे, सतगुरु संदेश दिया उसको सुनावे, पावन है नगरी प्यारी ये कुंभ तट की, पावन है नगरी भाई ये कुंभ तट की, संगम पराग राज ये तीरवेड़ी, संगम पराग राज स्वामी ने मेरे जो सं देश बताया, स्वामी ने मेरे जो संदेश बताया, जनमानस में हम सबने सुनाया, जनमानस में हमने बताया, अंतर ध्यान भजन मन गाया, स्वामी सतगुरु जी के दर्शन पाया, स्वामी सतगुरु जी के दर्शन पाया, सत्य गुरु जय गुरुदेव। हे प्रेमियों, हम सब स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, यहाँ सभी गुरु भाई बहन हैं, माता तुल्य पिता तुल्य बुजुर्ग बच्चे तथा बच्चियां, स्वामी महाराज ही सबके मालिक हैं, वही कुल जिम्मेदार है, यहाँ तो सबके सब सेवादार है। ऐ प्रेमियों, सेवा कार्य के लिए आए हैं, जो सद्भावना का पाठ पढ़ाया है उस पाठ को इस कुंभ के मेले में पढ़ा रहे हैं, हर कोने कोने में जाकर के अपने मालिक की वाणी को बताना समझाना ही हमारा कर्तव्य है, उससे जनमानस में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, आपकी मेहनत सार्थक है, मालिक की विशेष दया दुआ है, और आपको अंतर अनुभव भी अंतर दर्शन भी गुरु महाराज के होते रहेंगे। अय प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल जीवन अमोलक है, इसके बारे में सकल समाज को समझाना, साथ ही साथ शाकाहार सदाचार की बात बताना ही हमारा कर्तव्य यहाँ बना हुआ है। इसके बाद में जब यहाँ से हम सब जाएंगे मालिक की दया दुआ लेकर के और मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए कर्तव्य का पालन करके
तो बड़ी ही दया मालिक की प्राप्त होगी। अरे प्रेमियों, हम सब स्वामी भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, सदगुरु भक्त हैं। स्वामी भक्तों को स्वामी को ही सबसे ऊंचा रखना होता है। स्वामी भक्ति में सब कुछ मिलता है। स्वामी जिस नामी से मिला होगा उस नामी से मिलवा देगा। स्वामी भक्त ही सदा उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो तुम्हें भी स्वामी जी की ही भक्ति करनी होगी। सर्वप्रथम अपने स्वामी सदगुरु में मन को लगाना होगा और कुल मां कुल मालिक स्वामी जी महाराज हैं, उन्हीं से प्रार्थना करनी होगी कि निज अनुभव मुझे भी हो। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे सदगुरु, मुझ पर भी दया कृपा करो, मुझे भी अनुभव हो, आपके अंतरदर्शन हो। बड़े भाव से, बिना नम भाव से प्रार्थना करते हुए अपने स्वामी जी से विनती किया जाता है। सभी लोग जो जो विनती कर रहे हैं, शरणागत हैं, वो भक्त वत्सल हैं। गुरु महाराज दया कृपा करते हैं और सबको अनुभव होता है, दिखाई सुनाई पड़ता है। अरे प्रेमियों, अनुभव अनुभूति की आध्यात्मिक पाठशाला जो गुरु महाराज की है बराबर चल रही है, अनुभव अनुभूति हो रही है, अंतर्वाद स्वामी महाराज से होती है। जब स्वामी में लगन लगी रहेगी तो स्वामी महाराज शयन बैन में बताते रहते हैं, और शयन बैन में जो गुरु महाराज का आदेश हो उसी को पालन करना गुरु भक्ति कहते हैं। अरे प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल किराए का मकान है, ये बाजार है, सराय है, यहाँ कुछ दिन रहना है, रहने के बाद में सभी को जाना पड़ता है और हमें तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो अरे प्रेमियों, यहाँ रुपया पैसा जो चलता है उसको तो आप जानते ही हैं, पर उस देश में जहाँ हमें जाना है वहाँ का रुपया पैसा नाम भजन है, प्रभु का भजन है, प्रभु परमात्मा का भजन करने के लिए वक्त के संसद गुरु की खोज करनी पड़ती है जिन्होंने नाम को जगाया हो। उस वंश के संसद गुरु के पास जाने के बाद वहाँ से नाम की दया मिलती है, दुआ मिलती है, और उस नामी से प्रेम करने के बाद ही नाम की दया मिलती है। तो जब नामी से प्रेम होगा, सदगुरु स्वामी से प्रेम होगा, तो पूरी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। स्वामी भक्ति करते हुए खेती दुकान दफ्तर का काम किया जाता है और समाज में जो मालिक ने आदेश दे रखा है उस कार्य को भी करते हैं, पर हमेशा ही अपने स्वामी महाराज को ऊंचे रख करके, अपने स्वामी को शीर्ष पर रख करके कोई भी काम आप करते हैं तो आपको भय नहीं लगेगा। आप स्वामी भक्त हैं तो किस प्रकार का डर है, अपने स्वामी से मिलते हुए आगे चले चलते हैं। अरे प्रेमियों, अपने गुरु महाराज ने बताया है कि परिवर्तन तो होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। परिवर्तन ऐसा होगा, मन का परिवर्तन, तन का परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, युग परिवर्तन, सब कुछ होगा। परिवर्तन इस प्रकार का होगा कि केवल धर्म की स्थापना नहीं होगी, युग का भी परिवर्तन होगा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन के बाद जब गुरु महाराज सबके सामने बताएंगे कि देखो खुशहाल हो गए, युग लग गया है, सतयुग आ चुका है, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, अब तुम ठीक ठाक हो, सारी व्यवस्था ठीक है, उसके बाद ही गुरु महाराज अपने धाम की तरफ प्रस्थान करेंगे, यही उन्होंने बताया है। इससे पहले वो जाने वाले नहीं है। हाँ, वो समरस संत है, वो कहीं जाते संत का अंत नहीं होता है। यहाँ पर ये शरीर जो है ये मरता है, सूरत जीवात्मा अमर है, इसको नया खोल मिलता रहता है, पर स्वामी भक्ति में सारा कुछ पता चलता रहता है, सार भेद का ज्ञान होता रहता है। ये सूरत स्वामी से ही सब कुछ मांगती है और स्वामी ही दाता है, स्वामी ही देता है। अरे प्रेमियों, इसी त्रिवेणी तट पर स्वामी महाराज ने गोस्वामी जी की रामायण को सुनाया था। जब यहाँ पर महामानव कुंभ गुरु महाराज ने लगाया था 97 में, तो उन्होंने पूरी रामायण गोस्वामी जी की उदाहरण दे करके सुनाया था।
और सुनाने के बाद सब कुछ बताया था, खोल करके नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा भेद बताया कि कंज गुरु से नामदान मिलने के बाद जब गोस्वामी जी पूरे हो गए तो उन्होंने सुनाना शुरू किया, उनकी ख्याति बढ़ी तो लोग उनके दर्शन प्रसन्न के लिए आने जाने लगे। फिर वो नाम की दात भी देने लगे। जब नाम दात देते थे तो काशी के रहने वाले हृदय अहिर ने भी वहां नामदान लिया। वो वहां नौकरी करते थे राजापुर में। नौकरी करते करने के साथ साथ स्वामी भक्ति करना हृदय के मन में बस गया। हृदय ने वहीं रह करके पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया और हृदय पूरे हो गए। पूरे होने के बाद गुरु महाराज से आज्ञा लेने के बाद, गोस्वामी जी से आज्ञा लेने के बाद वो काशी को गए और जहां पर नौकरी करते थे उस मालिक से भी उन्होंने छुट्टी ली। जब वो चले गए तो कुछ दिन रहे, गोस्वामी जी को याद आई तो वो भी काशी चले गए। जब काशी गए तो वर्णा नदी के किनारे हृदय ने उनके लिए कुटी बना दी, वहीं पर रहने लगे और सत्संग सुनाने लगे। धीरे धीरे भारी जन सैलाब आने लगा और विरोध भी होने लगा। जो कर्मकांडी थे वो विरोध करने लगे और जो धर्म स्वावलंबी थे, प्रभु प्राप्ति चाहते थे, वो आने लगे। यहां तक चौरी चौरा से भी लोग आए और श्यामा नैनू भी आए, करिया और धर्मा और कर्मा भी आई, करिया भी आए। इसी तरह बहुत से आए जिनका वृत्तांत गुरु महाराज ने सुनाया। तकी मिया भी गए और वो भी नतमस्तक हो गए। तो सारी चीजों को उन्होंने सुनाया, सूरत स्वामी संवाद और सब कुछ सुनाते हुए उन्होंने यही कहा, निशाना मुझसे रखना और करके सुमरन ध्यान भजन करते रहना। अरे प्रेमियों, ये सूरत जब जगेगी, मालिक की दया होगी, गुरु के दर्शन प्रसन्न करने के बाद सीधे प्रभु राम के दर्शन होंगे। जब प्रभु राम के दर्शन होंगे तो आगे ब्रह्म और पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष सद्धाम, हर चीजों के दर्शन होंगे, लेकिन स्वामी भक्ति पर होंगे। स्वामी ही जहाँ तक चाहेंगे ले जाएंगे, एक पत्ता भी बिना स्वामी के आदेश के नहीं हिलता है। ऐ प्रेमियों, दीन भाव से सत्संगत में सतगुरु की दया कृपा से चलना चाहिए। अगर सतगुरु की कृपा दया में चलते रहोगे तो सब कुछ मिलता रहेगा। और प्रेमियों, यहाँ त्रिवेणी संगम प्रयागराज में आए हो तो जितने दिन रहो गुरु के आदेश का पालन करो। सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला की तरफ से ये जो कैंप लगा हुआ है, ये सतगुरु भक्त स्वामी भक्त भक्तों का कैंप है। यहाँ स्वामी जी को ही माना जाता है, किसी और को माना नहीं जाता है। स्वामी जी ही हमारे मालिक है, जिम्मेदार है, कुल मालिक है, कोई दूसरा यहाँ मालिक नहीं है। और वही अनुभव करवाते हैं। और ये कहा जाता, अनुभव हो तो मानो, अनुभव ना हो तो मत मानो, कोई जरूरत नहीं। इसलिए बार बार कहा जाता है, अनुभव नहीं होगा निज अनुभव, मैं कहूँ कगेसा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। तो अनुभव हो तो मानो। और हम लोग स्वामी भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, किसी दूसरे के शरणागत नहीं हो सकती। और सतगुरु का नाम लेते हैं श्री सम्मान के साथ में, और उन्होंने जो अंतर आदेश किया है, अंतर आदेश से सारा काम होता है और आगे भी होता रहेगा। मुझको किसी से कोई तकलीफ नहीं और ना ही मुझसे किसी को होनी चाहिए। गुरु महाराज का आदेश निर्देश जैसा होगा वैसा काम होता रहेगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। ये रामचल सिंह जी हैं मिर्जापुर के, वो आप लोगों को कुछ सुनाएंगे, आप लोग सुनिए। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।
सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। नैन बिचते खो सतगुरु का, नैन के बीज से ऊपर, सतलोक का सतगुरु समरथ नामी अपने, सतगुरु समरथ नामी अपने काज का सत्संगत समरथ सतगुरु की, सत्संगत समरथ सतगुरु की ओ लगावे पार, ओ लगावे पार नाम भजन असली है कुंज जी, गुरु चरण उद्धार, दरस परस कर श्री चरण के, सतगुरु नाम यदार, सतगुरु नाम यदार नैन बिच देखो सतगुरु का, नैन बिच देखो सतगुरु का नैन के बीच से पर, सतलोक काता सतगुरु जय सत्संग तो आप लोग ऊंचा से ऊंचा रोज सुन ही रहे हैं, बड़े भैया का सुनाई रहे हैं। अब आप लोग अपने हैं, कोई और लोग रहता है इधर उधर से तो कुछ सुनाने का मन करता है। सबसे बड़ी बात है अभी जो भी प्रार्थना होता है वह भी सत्संग ही होता है, उसमें मन को लगाने और रमाने की जरूरत होती है। अभी नाम भजन असली है कुंजी, गुरु चरण उद्धार। जब गुरु के चरणों में रह करके आपने नाम दान ले लिया है तो ये नाम भजन की एक कुंजी है, ये नाम भजन कुंजी है, और इस कुंजी के द्वारा ही इस घट का ताला खोला जा सकता है। और ये घट का ताला यहाँ पर जो बंद पड़ा है इसको खोल करके जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक आपको अंतर में ऊपर की आसमानी आवाज सुनाई नहीं देगा और प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ये जो नाम भजन की जो कुंजी मिल गई है आप इसको लेकर के उस ताले को खोलने का बराबर प्रयास करो। यह ताला बहुत दिनों से बंद हो गया, जड़वट हो गया, कर्मों का आवरण लते लते
अच्छा बुरा पाप पुण्य ये करते करते इकट्ठा हो गया, और जब यहाँ इकट्ठा हो गया तो अब जो है भारी बोझ ये गुरु की दया में है बगैर लिए और बगैर सत्संग का जल लिए। सत्संग जल जो कोई लावे मैं लाई सब कट कट जावे। जब सत्संग का यह जल मिलता है सदगुरु की दया में हर से जब ये बरसता है तब ये मैलाई कटनी शुरू हो जाती है। जब दोनों आंखों के मध्य भाग में आप ऊपर की तरफ यहाँ भौं के मध्य में आप ऊपर की तरफ जब अपने ध्यान को तवज्जो करते हैं तो आपका सारा ध्यान मन चित बुद्धि अहंकार जो सूरत को चारों तरफ घेर करके बैठी है ये मन चारों तरफ उसको लेकर के ये नीचे की तरफ भारी हो जाता है। जब आप जो है स्वाद इंद्रियों में पड़ जाते हैं इंद्रियों के भोगों के गुलाम हो जाते हैं तो उसको लेकर के भारी हो जाती है सूरत तो ये नीचे की तरफ अधोगति में हो जाती है। इसलिए जो है इन कर्मों को धीरे धीरे गुरु की दया में हर से और उनको जो है प्रणाम करते हुए उनसे दया दुआ मांगते हुए अंतर में जब ये चलने की तैयारी करोगे आप ऊपर की तरफ से तब ये धीरे धीरे वहां पर मैल जो जमा है वो हटेगा हटेगा उसमें और प्रकाश पैदा होगा। जब अंधेरे में कुछ प्रकाश मिलेगा तभी आपको कुछ दिखाई देगा। यहीं पर अगर बिल्कुल अंधेरा हो जाए और तो आप किसी का रूप नहीं पहचान सकते। घनघोर काली घटा छा जाए और यहीं पर सब लोग बैठे रहे प्रकाश न हो पता नहीं चलेगा। लेकिन यह जो है प्रकाश अगर मिल जाए तो सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं साफ साफ दिख रहे हो। और यही प्रकाश अगर कम हो जाए तो आप सब लोग देखते तो हो लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन है कोई छाया है सकल ये दिखाई देता है। उसी तरह से ऐ प्रेमी भाई बहनों जब घाट पर आओगे यहाँ एक घाट है और इस घाट में एक घाट है और इस घाट पर जब आप आओगे और सुमिरन भजन ध्यान के द्वारा जो गुरु महाराज ने एक कुंजी नाम का दिया है नाम भजन का उसके द्वारा आप जब यहाँ पर खोलना शुरू करोगे यानी कमाई करोगे गुरु महाराज की दया दुआ लेकर के तो यह धीरे धीरे खोलना शुरू होगा। इसमें सफाई आएगी मैल झड़ेगा। जब मैल झड़ेगा तो उसमें थोड़ा रोशनी आएगी लाइट आएगी। फिर भी अगर कुछ अंधेरा है तो लगेगा आपको कि इसमें कुछ दिख रहा है। यहाँ से कभी कभी आपको लगेगा कि कोई हल्की सी संकट छाया नुमा कुछ आ रही है जा रही संकट जा रही है आ रही है बहुत कुछ तेज से दिखाई देगा। फिर वह जब प्रकाश तेज होता जाएगा तो बिल्कुल साफ साफ नजर नजारे आने लगेंगे। तारे पेड़ पहाड़ मैदान तालाब सरोवर बहुत बड़े बड़े कुछ ये सब दिखाई देते हैं अंतर में। और सदगुरु तो हर मंडल में मिलते हैं। जब सदगुरु की दया में हर में चलोगे और सदगुरु आपके दाएं तरफ बराबर वो विराजमान रहते हैं लेकिन अगर आप लोग उन दृश्यों को देखने में रह जाते हो तो गुरु महाराज बराबर आपको संकेत करते हैं कि ऊपर चलना है। लेकिन अगर आप दृश्यों को देखने में रह गए तो यह आपकी चढ़ने की ऊपर की प्रवृत्ति चलने की तैयारी में थोड़ा विलम्ब लगता है। और भजन में जो अगर आवाज आती है तो वो सुनाई देती है तो उसमें अगर नहीं देख पाते खाली सुनने की कोशिश करते हैं तो जिस धाम से ये आवाज आती है वो आपको खींच करके बिल्कुल उस स्थान पर आपको खड़ा कर देती है। इसलिए ऐ प्रेमी भाई बहनों भजन खूब जम करके करो और जब भजन में वो आवाज आना शुरू हो जाती है तो आपको चलते फिरते सुनते हर वक्त आपको वह आवाज सुनाई पड़ेगी। कभी कभी जब कर्मों का आवरण आ जाता है या बाहर से देखो बाहरी ध्वनियां बाहरी प्रकाश ये भजन में बाधक होते हैं। अगर बाहर से बहुत बड़े बाजा गाजा बजने लगे ध्वनि शोरगुल होने लगे तो वो ध्वनि थोड़ा सा मंद पड़ जाती है। कानों में उंगली लगाओगे तब थोड़ा वो सुनाई देने लगता है। ऐसे अनायास जब शांत वातावरण हो तो वो बराबर एक रफ्तार एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती वो बराबर चलती रहती है। तो उसको सुनने का जब आप प्रयास करोगे मुहावरा पड़ जाएगा तो सुनते सुनते वह ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट और तेज होगी और सुनते सुनते उसमें प्रभु से जब दया मांगोगे अपने सदगुरु से तो मालिक के दया की बरसात होगी। आप कहोगे कि हे सदगुरु कुछ बता दीजिए कुछ सुना दीजिए तो गुरु महाराज आपको कुछ सुना देंगे आपको सत्संग सुना देंगे। आप जो कुछ करो कहोगे आपको प्रश्नों का यथोचित उत्तर तत्काल मिल जाता है। इसमें जब घाट पर आओगे अगर गुरु आपको
रोशनी प्रकाश आना शुरू हो जाए और सेंट्रलाइजेशन बना करके आप यहाँ एकाग्रता में आकर के आपके अंदर जो भी इस घाट पर आने के बाद प्रश्न शुरू होगा तो उसका उत्तर भले पूर्ण रूप से न खुला हो, सदगुरु का दर्शन के प्रकाश स्वरूप मिलता हो तो आपको तुरंत आपके प्रश्नों का उत्तर इस घाट पर मिल जाता है। ऐसा होता है, ये अंतर की ऐसी विद्या है। तो आप लोगों को जब गुरु महाराज ने नाम की दौलत, इतनी बड़ी नाम की दौलत बख्शीश की है और दया मेहर से आपको साध का संग भी मिल गया है, आपको इधर उधर तड़पना भी नहीं है, अब तो गुरु के लिए तड़पो कि गुरु महाराज मिल जाए, अंतर में एक घट का घाट खुल जाए तो बहुत बड़ा अच्छा है। यही काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं। गुरु महाराज ने बताया कि मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है, और लोग तो इधर उधर भटक रहे ए बयानबाजी में, भाषणबाजी में, बाहरी वातावरण में भटक रहे, उनको समझाया जाता है तो भी यहाँ आकर कहते हैं झंडा कैसे डंडा कैसे। अरे यहाँ की बात अंतर की बताई जाती है और घाट पर जब तक नहीं आओगे तो सदगुरु की दया में हर नहीं पाओगे, तब आपको कैसे भेद मिलेगा। यही हमेशा से होता आया है प्रेमी, आज से नहीं, जब गुरु महाराज ने दादा गुरु ने गुरु महाराज को बताया, बांध दिया कि लोगों को बताया, लोगों के समूह में बताया, जब उनकी तैयारी हो गई यहाँ से जाने की, निधाम पहुंचने की, शरीर छोड़ने की, तो दादा गुरु ने अपनी संगत कुछ बुला करके, संगत तो बहुत कम थी उनकी, 10-5 की संगत थी, बुला करके कहा कि देखो ये तबीयत खराब हो गई थी, 2 महीने पहले ही बता दिया था कि अब हमारा इस टाइम को, इस दिन, इस तिथि को इतना बजकर इतना मिनट पर मैं चला गया। तब लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आप जब चले जाएंगे तो इस संगत का देखभाल कौन करेगा और नए जीवों को कौन नाम देगा। तो गुरु महाराज ने कहा वो फलाने दास, गुरु महाराज का नाम लेते हुए, गुरु महाराज वहां नहीं थे, जिसको अंतर में रसाई होने लगती है जब पूरा है तो उसको रहे न रहे तो हर जगह है, गुरु महाराज वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो लोग दादा गुरु ने कहा कह रहे फलाने दास वही संगत की संभाल करेगा और वही नए जीवों को नामदान देगा। इसके बावजूद लोग ले गए, तबीयत खराब था, वो अलीगढ़ ले गए दादा गुरु को दिखाने के लिए, और वह वक्त जब आ गया उनका समय जो बताई थी डेट, तो कहे कि देखो अब यहाँ अस्पताल में दवा कराने से कोई लाभ नहीं होगा, तुम लोग जो है अगर भंडारा करना चाहते हो तो यहीं रखो, नहीं तो तेरे ही करना चाहते हो तो घर ले जाओ। गृहस्थ में थे, बाल बच्चे वाले थे दादा गुरु, तो लोग घर ले आए और जिस दिन बताए थे वही समय आ गया, तो लोगों ने सोचा कि अब वही अंतिम समय जाने वाले, तबियत खराब है, हो सकता है कि दिमाग खराब हो, ऐसा हर लोगों को अभाव आ जाता है जो पास और जो गद्दी देखता रहता है कि कब गद्दी मिल जाए हमको बता दे, हम भी गुरुवाई करना शुरू कर दें। ऐ प्रेमियों उस समय क्या हुआ कि लोगों ने पुनः पूछा, जबकि एक बार बता दिया गुरु महाराज ने तो दोबारा पूछने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी लोगों ने पूछा कि महाराज आप जा रहे हैं तो इस संगत की देखभाल कौन करेगा, नए जीवों को कौन नाम देगा। तो दादा गुरु ने कहा मैंने बताया ना, अरे वो पूरा हो गया है, उसको मुझको जानो, मुझको उसको जानो, वो करेगा। तो लोगों ने कहा मालिक को बड़ा मोटा है, वो क्या भजन करेगा, कर भजन नहीं, वो पूरा हो गया। ये सब बताने के बावजूद उस समय भी वहां पर ये स्वामी जी महाराज नहीं थे, कहीं इधर उधर गए थे। लेकिन प्रेमियों क्या हुआ, ये 1948 में दादा गुरु ने धाम गए, शरीर छोड़े, लेकिन गुरु महाराज ने क्या नाम दान देना शुरू कर दिया, वहां फिर भी लड़ाई हो गई। जो गद्दी देखने वाले थे अर्जुन दास जी महाराज अलीगढ़ में अपना एक बना करके अपना वहां पर तैयार बैठे और गुरु महाराज चुपचाप लगाए रहे। तो लोग क्या कहते थे गुरु महाराज के जो गुरु भाई थे जानते हो आप, ये कहते थे आपको स्वामी जी महाराज ने कहा है ये जो है नए जीवों को नामदान देने के लिए सत्संग करने के लिए आप सुनाते क्यों नहीं,
क्यों नहीं बताते हुआ? आप सत्संग जारी करो, नहीं तो हम लोग तुमको जो है मनमुख कहेंगे। तमाम कुछ लोग कहते रहे, लेकिन गुरु महाराज कहे हमारी इच्छा नहीं होती है भैया कि हम एक काम करें, सत्संग सुनाए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, यही कह करके टाल देते हैं। जब कि उन लोगों ने सुना था कि यही करेंगे, और कितने दिन तक चुप्पी मार कर बैठे रहे। अरे प्रेमियों, सन 1952 में 10 जुलाई 1952 को सत्संग जारी किया, तो उस समय जब सत्संग जारी किया तो गुरु महाराज ने कहा कि आज साफ साफ आवाज अंदर में आई, और गुरु महाराज का हुक्म है कि अब आज से ही सत्संग जारी कर दो। अरे प्रेमियों, जब महात्मा कह देते हैं, जिसको आपके सामने संकेत जरूर देते हैं, ये गुरु महाराज ने बताया कि जब जाना होगा तो बगैर संकेत दिए महात्मा जाते नहीं, बगैर बताए जाते नहीं है। जब बताकर दादा गुरु गए तो हमारे गुरु महाराज ने भी कहा कि बिना बताए महात्मा नहीं जाते, सही छोड़ते। तो अरे प्रेमियों, आपको शंका नहीं होनी चाहिए, और बता भी दिए तो आप समझ लो कि इनका पूरा काम अंतर घट से होता है, अंतर अध्यात्म का। जब तक उनकी मौज नहीं हुई, गुरु महाराज ने सत्संग जारी नहीं किया। जब दादा गुरु ने पुनः अंतर घट से आदेश दिया, तभी सत्संग जारी किया, और बताया साफ साफ गुरु महाराज ने कि हमको अंतर घट में बिल्कुल साफ साफ दादा गुरु ने बताया कि सत्संग जारी हो जाएगा, तो आज ही सत्संग जारी करते थे, 5 लोगों को बैठा कर सत्संग जारी कर दिया। तो प्रेमियों, ये अंतर घट विद्या से है, और यहाँ का सारा काम बरेला धाम का, जहां से आप हम सब लोग गुरु की दया में हर पा रहे हैं, जुड़े हैं, सब अंतर्घट आदेश से होता है गुरु के। आप सबको इसमें अनुभव होता है, जो लोग भी बरेला जाते आते हैं, गुरु की दया में हर मिलती है, बरसती है। हम लोगों को भी गुरु की दया में हर बरसी, अंतर में जो कुछ भी था हम लोगों को भी पानिया उतरी, तब तो पक्का विश्वास हुआ। अगर गुरु जनाते ना तो हम लोग जानते ना, सोई जाना जेहू देश जनाई, अचानक तुम ही हो जाई। जो जानना चाहेगा उसको वो जना देते, और जो जानना नहीं चाहेगा रूखा फीका रहेगा, बकवास बाजी करेगा, भाषण बाजी में फंस जाएगा, और लोगों के यहाँ फंस जाएगा। गुरु महाराज ने अंदर की विद्या बताई है, बाहर की विद्या नहीं बताई है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सावधान हो जाओ, बहुत कुछ आएंगे। हम लोगों का प्रचार बहुत सफल है, बहुत तेजी से प्रचार हो रहा है। जिस चीज का जितना ही विरोध होता है, वह चीज उतनी ही चरम गति से उसका विकास होता है। अच्छाई का विरोध हमेशा होता आया है, बुराई जहां भी घटित होती है उसका कोई निंदा बहुत लोग विरोध नहीं करते। लेकिन प्रेमियों, जहां सच्चाई होती है उसको मात करने की योजना तमाम विद्रोही बनाते रहते हैं। ऐ प्रेमियों, जब आजादी लेना था, इस देश को आजाद कराना था, तो जब देश के बहादुर इस लड़ाई में कूदे थे, तो उस समय चोर डाकू भी बहुत काफी पड़ गए थे। चोर डाकुओं का बहुत काफी बोलबाला हो गया था, बहुत तेजी से चोरी डकैती होने लगी थी, और जब चोरी डकैती करते थे, लूटपाट करते थे, जब चलते थे तो क्या बोलते थे, महात्मा गांधी की जय, सुभाष बाबू की जय, भगत सिंह की जय, जय के नारे लगाते थे। फिर क्या होता था, इन लोग पकड़े जाते थे और इन लोगों पर डकैती का मुकदमा चलता था। इतना झेलने के बावजूद आप क्या झेल रहे हो? आप तो कुछ नहीं झेल पा रहे हो। इस देश के आजादी के लिए, इस देश के अमन के लिए उस समय चोर डाकुओं का बोलबाला हो गया, बस वही समझो। लेकिन जितना विरोध होता गया उतना ही प्रचार बढ़ता गया, उतनी ही उन लोगों की जनशक्ति बढ़ती गई और देश को आजाद करके दम दिया। और हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अगर गांधी जी के नाम के साथ अगर महात्मा शब्द न लगा होता तो देश आजाद नहीं होता। आपने समझा? यह परिवर्तन कोई आदमी नहीं कर सकता, परिवर्तन कोई भाषणों से नहीं होता, परिवर्तन दिल तब्दीली परिवर्तन से होता है, दिलों में परिवर्तन से होता है। और ये जो है परिवर्तन, वैसे किसी के बस का है भी नहीं, परिवर्तन वक्त के महापुरुष करते हैं। इसलिए कहा कि अगर उनके नाम के में महात्मा शब्द न लगा होता तो परिवर्तन नहीं, तो भारत आजाद न होता। तो युग पुरुष परम संत है, वो तो महात्मा शब्द लग जाने से खाली हो गया। महात्मा थे भी ऐसे, क्योंकि चरित्र बल था उनमें, तपस्या का बल था ऐसे दुनिया।
इसलिए ऐसे ही नहीं सब लोग महात्माओं को करिए। तो प्रेमी भाई बहनों, एक गुरु महाराज की दया विहार में आप लोगों का जो काम बड़ा तेजी से प्रचार प्रसार का हो रहा है और एक पानी ऊपर तक जा रही है, ये हमारे गुरु महाराज देख रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे अंग संग लगे हुए ये जो है प्रचार इतनी तेजी से कर रहे हैं। और जिनको अनुभव होने के बावजूद गुरु महाराज की दया दुआ मिलने के बावजूद अगर इधर उधर फटक गया तो समझ लो कि अर्जुन का क्या हाल हुआ। दिव्य दृष्टि मिलने के बावजूद सारा खेल दिखा दिया भगवान कृष्ण ने और कहा कि जो कुछ करता हूँ हे अर्जुन हे पार्थ मैं करता हूँ, तुम केवल यश ले लो इसमें, मैं कर चुका हूँ, महाभारत खत्म कर चुका हूँ, बस तुम्हें यश लेना है। लेकिन अर्जुन को बराबर शंका होता गया कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, मैं इतना बहादुर हूँ, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। अगर अर्जुन कृष्ण के ऊपर या थोप देते कि जो कुछ है सब कृष्ण का है, इनका है, इनकी शक्ति है, तो उनको नरक जाना नहीं पड़ता। अगर आप लोगों ने भी गुरु की समर्थता का प्रश्न चिन्ह लगाया, गुरु की प्रशंसा किया, विश्वास नहीं किया, तो अप्रेमियों आप सबको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अपने समर्थ गुरु पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। और जिन लोगों को अंतर के पर नहीं आते हैं, अगर गलत कार्यों में व्यस्त हैं, नाम दान लेने के बावजूद अगर वो चोरी डकैती हिंसा लूट का शोक के विचार में फंसे हैं, माँ बहनों पर ज्यादा कुदृष्टि डालते हैं, उसी में पड़े हुए हैं और नाम भजन की कमाई भी नहीं करते, उनको का नरक नहीं जाना पड़ेगा तो का स्वर्ग जाना पड़ेगा, का चढ़ाई हो जाएगी, ये गिराने वाले बात है। इसमें आने के बाद हम लोगों को सदगुरु के सच्चे सपूत बनना है, हम सदगुरु के सपूत हैं, और एक ताकि हम बदलेंगे तो एक जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण बदलेगा, हमारा घर परिवार बदलेगा, घर परिवार बदलेगा तो हमारा गांव बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा। गुरु महाराज इसीलिए कहे कि बच्चों आप लोग बदले नहीं, आप में परिवर्तन भी नहीं आया, अगर आप में परिवर्तन आ गया, आप सुधर गए होते तो आपका परिवर्तन हो गया होता, तो हमको बदलने की जरूरत है, हम में परिवर्तन लाने की जरूरत है, हमको सुधारने की जरूरत है। आप सुधर जाओ, अपना तब्दीली परिवर्तन कर लो, तब परिवर्तन में भागीदार हो जाओगे। वैसे काम तो होना ही है गुरु महाराज का, तो बहुत कुछ है। और आप लोग जो है सुमिरन भजन ध्यान भी जम करके करें, और हम क्या बताएंगे, सत्संग सत्संग तो ऊंचा से ऊंचा बड़े भैया का आप लोग सुन रहे हो, अरे मोटी मोटी बातें हम बता देते हैं, अगर कोई दूसरा रहता बाहरी रहता है इसलिए हम सुनाते नहीं, और भैया का अगर कभी मौज हो जाता है कह देते हैं, तो अब तो सुनाना है, आदेश का पालन करना ही है, लेकिन हमको मन नहीं करता है सब सुनाने उनाने का, हमको सुनने का मन करता है। ये सब दिली सुन लो, हम कभी भी मंच पकड़ पर ये नहीं आना चाहते, हम कभी ये माइक पकड़ना नहीं चाहते। आप लोगों ने आज तक देखा होगा मैं मांग करके से नहीं जाता, भैया का हुक्म होता तो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो हमको मन नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मैं भी चलूँ सुनू, हमको अच्छा लगता है तो सुमिरन भजन ध्यान को ये हमारे अंदर आता है, ये हमको नहीं बनना है बहुत बड़ा महात्मा, हमको नेता गद्दीदारी चौकीदारी ये सब नहीं हमको देखनी है। हम तो चाहते हैं कि गुरु की दया में हर बनी रहे, बस मैं उनके चरणों का गुलाम जूठन खा पी करके किसी तरह पूजा कर लूंगा, लेकिन हे मालिक हमको पार कर, अपने चरणों में जरूर बैठाए रहना, मैं यही बस कामना करता हूँ। और आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग भी गुरु की भक्ति में सदैव लवलीन होकर के सुमिरन भजन ध्यान करें। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। तो बैठ कर भैया कुछ भजन कुछ ध्यान आप लोग कर लीजिए यहीं पर, इसके बाद जो है समापन होगा। सतगुरु जय गुरुदेव।